जोगी फिल्म बनी है जी नवंबर 1984 के उपर जो कि मानवता के नाल की धक्का होया सी ये आधारित है जी। उहदे विच मैं दलजीत भाजी का वड्डे भरा का रोल किया। मैनू ये लगता है जी कि भी सानू सारे नू पता है, ये कोई शायद दसन की लोड़ नहीं, साड़ी अपनी गल है। मैं तो आप छोटा जिहा माणा जिहा बंदा, मैं कौम का एक छोटा जिहा हिस्सा, तो साढ़े सारे माँ प्यो, साढ़े सारे जिन्हें भी भैन भरा ने सारे बहुत अवेयर ने, सारे अपने अपने घर अपने बच्चों दसते हैं कि भी साढ़े नाल की होया। मैं तो जी सिर्फ एक छोटा जिहा आर्टिस्ट हाँ, मेरी पहली पिक्चर है, इस तो पहले मेरी बैटल ऑफ सारागढ़ी फिल्म सी, वो समा वो किसी रीजनस करके वो हो नहीं पाई। इस फिल्म के मैं दोबारा मौका मिले चार पाँच साल बाद, एक मेरी पहला प्रोजेक्ट सी, मेरा बॉलीवुड की पहली पिक्चर सी, उ नैटफ्लिक्स के उपर आ रही थी। मेरे लिए इस तो माण वाली होर कोई गल है नहीं, तो ये मैं जो वड्डे भरा का किरदार निभा मिलया, मैं अपनी कोशिश जाहिर की। बाकी तुम दसो तुम सबू कि लगे। पंजाबी सिनेमा दे विच बैक टू बैक पंजाबी फिल्मां रिलीज़ हो रही ने, उत्थे ही गल करिए पंजाबी अदाकार दलजीत दोसांझ दी, तां उन्हां वल्लों फिल्म बनाई गई है जोगी, जो कि नवंबर 1984 विच सिखां नाल होए कतलेआम नूं लै के दर्साई गई है। इस दे नाल ही यह वर्ल्ड वाइल्ड नैटफ्लिक्स ते रिलीज़ की गई। उस फिल्म विच दलजीत दोसांझ दा वड्डे भरा दा किरदार निभाउण वाले अपिंदरदीप, जो कि अमृतसर दे रहण वाले ने, उह सचखंड श्री दरबार साहिब नतमस्तक हो के फिल्म दी कामयाबी दे लई अरदास करनी पहुंचे। इस दौरान मीडिया नाल गलबात करदिआं अपिंदरदीप सिंह ने कहा कि उन्हां दी नवंबर 1984 दिन दर्शाउंदी फिल्म जोगी, जो कि 16 सितंबर नूं नैटफ्लिक्स ते रिलीज़ हुई है, अते बहुत वधिया हुंगारा उन्हां नूं नैटफ्लिक्स दे दर्शकां वल्लों मिल रिहा है। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि उन्हां दी इह पहली फिल्म है अते इस फिल्म दे विच वार्ड नंबर 1984 विच दिल्ली च जिस तरीके नाल सिखां दा कतलेआम किया गया, इस सारे माहौल नूं दर्शाउंदी है। इस दे नाल ही होर उन्हां वल्लों की कहा गया, ओह तुसीं आप सुनो। पहले सब तो पहले फतेह बुलाना, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। यह जोगी फिल्म बनी है जी नवंबर 1984 के उपर, जो कि मानवता दे नाल की धक्का होया सी ये उहदे ते आधारित है जी। तो उहदे विच मैं दलजीत भाजी का वड्डे भरा का रोल किया। दर्शाया गया इस दर्शाया गया कि भी किवें एक मानवता के नाल धक्का होंदा, तो उस तो बाद मानवता नूं बचान, ह्यूमैनिटी के नाल धक्के नूं बचान वास्ते किवें एक जो बंदा होंदा उठता है, अपने सिर्फ तो सिर्फ अपने परिवार नूं ही नहीं, अपने बजुर्गों नूं, बच्चों नूं, होर जान पछाण के बंदे नूं सारे नूं लैके बचा के किवें बचा के उन्हों का सरवाइव करता, वो दर्शाया गया। मैं ये लगता है जी कि भी सानू सारे नू पता है, ये कोई शायद दसन की लोड़ नहीं, साड़ी अपनी गल है। तो मैं तो आप छोटा जिहा माणा जिहा बंदा, मैं कौम का एक छोटा जिहा हिस्सा, तो साढ़े सारे माँ प्यो, साढ़े सारे जिन्हें भी भैन भरा ने सारे बहुत अवेयर ने, सारे अपने अपने घर अपने बच्चों दसते हैं कि भी साढ़े नाल की होया। मैं सिर्फ सिखां दी गल नहीं करना चाहता, दुनिया भर के किते भी अगर कोई मनभागी घटना होंदी है, वो मनभागी ही मनी जाती है, सिर्फ सिखां दा ही नहीं। तो मैनू लगता कि भी इस फिल्म के आने तो बाद सारे जल्दी ही ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे, तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। मैं तो जी सिर्फ एक छोटा जिहा आर्टिस्ट हाँ, मेरी पहली पिक्चर है, इस तो पहले मेरी बैटल ऑफ सारागढ़ी फिल्म सी, वो समा वो किसी रीजनस करके वो हो नहीं पाई। तो इस फिल्म के मैं दोबारा मौका मिले चार पाँच साल बाद, एक मेरी पहला प्रोजेक्ट सी, मेरा बॉलीवुड की पहली पिक्चर सी, उ नैटफ्लिक्स के उपर आ रही थी। मेरे लिए इस तो माण वाली होर कोई गल है नहीं, तो ये मैं जो वड्डे भरा का किरदार निभाने लिए मिलया, तो मैं अपनी कोशिश जाहिर की। बाकी तुम दसो तुम सब लगे। किस तरह का माहौल जो हाँ जी पुराने समय में याद किया गया, सारा कुछ किस तरह का माहौल सेटअप कितने सारा लगा जी? सैट तो बहुत सोहना माहौल सी जी, क्योंकि जो डायरैक्टर ने अली अब्बास जफर जी, दलजीत भाजी ने, होर भी टीम से, बहुत व्डा क्रू से, वो सारे ने सानू उस तरीके का ही एम्बियंस क्रिएट करके दी। फिल्म सिटी मुंबई के भी ये फिल्म पंजाब भी शूट हुई है, दिल्ली से भी शूट हुई है, तो जो तुसी दृश्य देखते हो कि घरों जिदा डैमेज होंदा पिया, जो जो डैमेज एंड वॉयलेंस दिखाई गई है, वो सारी की सारी फिल्म सिटी के एक नकली सैट खड़े करके दिखाई गई है। तो
ਉਹ ਐਂਬੀਅੰਸ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫੀਲ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਾਗ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕੌਮ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪਬਲਿਕ ਟਾਈਮਸ।